तो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप बीकॉम पार्ट टू बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास ले रहे हैं। बिजनेस मैनेजमेंट एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है बीकॉम पार्ट टू का, जिसमें आपको क्या सिखाया जाता है। हर सब्जेक्ट में आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, जिस तरह लॉ में कानून सिखाया जाता है, अकाउंटिंग कोर्स एडवांस में हिसाब किताब सिखाया जाता है, इकोनॉमिक्स में आपको बताया जाता है कि क्या मसले उनके हल क्या है, कम्युनिकेशन में आपको लिखना पढ़ना बताया जाता है, बोलना बताया जाता है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। इसी तरह ये जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट, इस सब्जेक्ट के अंदर भी हमें खास चीज सिखाई जाती है। वो खास चीज क्या है? वो खास चीज ये है कि कल को अगर आप कोई एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, कल को अगर आप एक मैनेजर बनते हैं, देन यू व्हाट यू आर गोइंग टू डू, फिर आप क्या करेंगे। मैनेजमेंट की इस वक्त क्लास हमारी चल रही है, एवरीवन मैनेजमेंट। मंडे को हमने सिर्फ मैनेजमेंट रखी है, ठीक है जी, मंडे मैनेजमेंट। और जब मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे। ट्यूसडे को हम दो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन एंड और भी तो है, कम्युनिकेशन की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कल भी कम्युनिकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, परसों भी कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और फिर संडे बिजनेस लॉ। अच्छा, क्लास का लिंक विंक की जरूरत ही नहीं है अब आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने सिंपल कर दिया आप लोगों के लिए। क्या कर दिया, यही आईडी यही पासवर्ड है, हमेशा यही आईडी यही पासवर्ड। इतने दिनों से आप क्लास ले रहे हैं, आपको अंदाजा होगा, सेम आईडी सेम पासवर्ड। अब इससे अंदाजा लगाइए, मीनाल खान तो सेकंड ईयर इंग्लिश की क्लास ले रहा था, मैं उसमें आ गई थी मीनाल खान हमारी। तो ये चीज लिंक, अच्छा रिकॉर्डिंग, ओके ओके रिकॉर्डिंग बिल्कुल। मैं ये करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आज 29, कल भी मेरी क्लास होगी। तो कल के बाद ना मैं 1 जून से लेके और मतलब आखिरी जो क्लास मेरी हुई है 30 जून तक की, 1 जून से लेके 30 जून तक के, मैं तमाम लिंक्स आपको एक साथ दूंगा, सारे कम्युनिकेशन के दूंगा लिंक, सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दूंगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सारे मैनेजमेंट के दूंगा, और सारे बिजनेस लॉ के दूंगा। इस तरह से मैं आपको सारे लिंक दे दूंगा। तो जो भी आपके इश्यूज है, बस कल तक और इंतजार करें, कल की जो वीडियोज में अभी अपलोड होंगी, उसके बाद हमारा आईटी कोऑर्डिनेटर इंशाल्लाह ये तमाम चीजें आपके लिए करेगा, और आपको जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एकदम इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, वो बिजनेस लॉ के लिंक्स मैंने दिए थे, कुछ लोगों ने कल बोला था मंडे संडे को क्लास है, तो मैंने वो लिंक ओपन कर दी, आप देख सकते हैं 48 घंटे के लिए वो लिंक ओपन हो, उसके बाद वो दोबारा बंद हो जाएंगे, फिर पता नहीं कब खुलेंगे वो, ठीक है ना। फिर नहीं खोलूंगा मैं, आप जो भी पढ़ना है, अगर पिछले मई का आपको कुछ पढ़ना है, अभी मैंने वो लिंक दिए हुए थे आपको, आप जाएं वो पढ़ लें, उसके बाद वो नहीं खुलेंगे, एक 2-4 दिन बाद वो बंद हो जाएंगे, फिर नहीं खुलेंगे, फिर नहीं खोलूंगा, क्योंकि उसका वक्त भी खत्म हो जाएगा ना पढ़ने का, आगे भी तो पढ़ना है, या वही उसी को घसीटते रहना जिंदगी भर। अगर एक बच्चा सिर्फ सेकेंडरी कोर्स का पढ़ते रहे जिंदगी भर, तो वो कभी भी तरक्की थोड़ी कर सकता है। अच्छा, ह्यूमन बैलेंस शीट का हमने सवाल किया था लास्ट क्लास में, ये देखें आपके सामने आ गया, ह्यूमन बैलेंस शीट का जो सवाल हमने किया था वो खत्म हो गया था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हमने आगे पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो मैनेजमेंट का सबसे बेहतरीन चैप्टर मुझे लगता है, जो मेरा अपना ख्याल। इसके अंदर बड़े ना मजे मजे के प्रैक्टिकल्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट इज साइंस, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट साइंस है। अच्छा, क्योंकि मैनेजमेंट इज साइंस, अब देखें आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको शो कर दिया है, आपको मोटिवेशन का हेडिंग नजर आ रही होगी, सवाल भी नजर आ रहा है, लिख लें आप 2010, 12, 13, 14, यानी ये 12, 13, 14 तीन साल लगातार आने वाला सवाल, 14 तक जब 3-4 साल में सवाल अगर कोई आ गया ना, वो आपको लाजमी पढ़ना है, भले से आपके एयर में आए या नहीं आए, अगर वो इतने साल लगातार कोई सवाल आया है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यकीनन वो एक अहम सवाल है और आपको वो सवाल करने की जरूरत है, ठीक है ना। अच्छा, बीकॉम पार्ट टू में जो थ्योरी पढ़ाई जाती है उसके बारे में मैं एक और बड़ी अहम बात आपको बता दूंगा, कि बीकॉम पार्ट टू में
जो थ्योरी पढ़ाई जाती है उसमें से सवालात आते हैं इंटरव्यूज में, जब आप बैंक इंटरव्यू देने जाते हैं इस थ्योरी में से सवाल आएंगे, कल को यूनिवर्सिटी में किसी मास्टर्स में, किसी भी किस्म के मास्टर्स में आप टेस्ट लेने जाएंगे, किसी सरकारी यूनिवर्सिटी आप जाएंगे, आपका लाजमी टेस्ट होगा और फिर वो इसी थ्योरी में से टेस्ट में से सवाल आएंगे, 100 एमसीक्यूज आएंगे, कोर्स और एडवांस से मिलाकर कितने सवाल आएंगे, 10, बहुत ज्यादा 15, थ्योरी से कितने सवाल आएंगे, 60 से 70 सवाल थ्योरी से आएंगे, कम से कम भी 60 सवाल। अब अकाउंटिंग, अच्छा अब बच्चे देखें, सबसे ज्यादा जो आप लोगों की क्लास के जो सबसे ज्यादा सब्जेक्शन है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लॉ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड लॉ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि हमारे प्यारे इमरान भाई जो है आपको पढ़ाएंगे कॉस्ट एडवांस और ऑडिट, तो मैं आपको यकीन है इस वक्त ये मेरी क्लास सर इमरान नहीं सुनेंगे, तो मैं आपको एक क्लास की बात बता रहा हूँ, आप जो है ना ऑडिट पढ़ना शुरू करते हैं, सर को मोटिवेट करें आप लोग, क्योंकि मुझसे आई थिंक किसी स्टूडेंट ने कहा था, मुझे नाम फायर बिना याद नहीं, कि सर अगर वो सर नहीं पढ़ाने के, सर ने मना कर दिया ऑडिट पढ़ाने का, क्योंकि हम बैंकिंग पढ़ लें या वो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप लोग सर को मोटिवेट करेंगे ना तो सर आपकी क्लास ले लेंगे। बैंकिंग तो आधी मैं आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ाई दूंगा, देखें इफ यू वॉन्ट टू री स्टडी, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं आपको ऐसी मशवरा ही दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप माशाल्लाह से जो इस वक्त बच्चे मेरी क्लास में मौजूद हैं ट्रूमेन वाले, ये यकीन करें मुझे बड़ा खुशी होती है आपको पढ़ाने में, उसकी वजह ये कि आप लोग पढ़ते हैं जो बात, तो आप ऑडिट जरूर पढ़ें, बैंकिंग भी मैं आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई दूंगा ना, ऑडिट भी पढ़ लें आप, बात क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंस का, उसमें पढ़ा दूँ, ऑडिट में होगा कि कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, वो भी सर इमरान जैसे जब टीचर हो आपके पास, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऑडिट जरूर पढ़ें, ठीक है, और सर को बोले सर आप हमारी बस, जैसे आज 29 जून हो गई ना, सर से बोले सर जुलाई का महीना शुरू हो रहा है, हम शुरू करें बस, बहुत ही माइनर सी फीस होगी और ऑडिट आपका शुरू हो जाएगा, तो आप पढ़ लें, जब ज्यादा टाइम मिलेगा ना, अब वो पढ़ाएंगे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने अगर आपको ऑडिट पढ़ाएंगे, बड़े दबंग तरीके से वो अपने पढ़ाएंगे, ऑल्दो ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जाहिर है हमारी जब क्लास में यार 60, 70, 80 बच्चे होते हैं जिनकी क्लासों में, अब उनकी क्लास में अभी हमारे पास कितने बच्चे ऑनलाइन है, 12 बच्चे ऑनलाइन है, ठीक है, तो जब इतने कम बच्चे होंगे तो हर कोई डिमोटिवेट होगा, यार मैं सिर्फ 12 को पढ़ाऊँ, मैं सिर्फ 10 को पढ़ाऊँ, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ आपको पता है, कुछ क्लासेस मर्ज कर देता हूँ अपनी, कभी बहुत दिल चाहता है तो अभी बिजनेस लॉ के जैसे 2 अलग अलग सेशन में पढ़ाता हूँ 30-30 बच्चों के, बहुत दिल करता था दोनों तीनों को मिला दूँ 60-70 बच्चे जैसे क्लास में हो जाए, कुछ करने के लिए आया चलो आज 60-70 बच्चों एक साथ पढ़ा, मजा आता है बड़ी क्लास, यानी कि मेरी कुछ ऐसी क्लास भी होती थी जो मतलब 150 बच्चे क्लास में बैठे, तो इसका एक अलग ही रिदम होता है, जब 150 बच्चा हमारे सामने होता है हम भी अपने पूरे जोश से पढ़ाते हैं, बहुत मजा आता है। नाउ कम टू द पॉइंट, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोटिवेशन, नेम द वेरियस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अच्छा ये इतने सालों में आगे मैंने बता दिया मोटिवेशन होता क्या, मोटिवेशन की मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा फिर बताऊंगा कि ये बेसिकली क्या होता है। तो होता ये है कि एक क्लास होती है, मास्टर्स जब आप पढ़ेंगे, मास्टर्स में किसी भी एक सब्जेक्ट की जो क्लास होगी ना वो 3 घंटे की होगी, 3 घंटे वही टीचर एक ही अंदाज में, लेकिन अच्छा कोचिंग में जितने बेहतरीन टीचर है ना आपको जिंदगी में अब नहीं मिलेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपने अभी मास्टर्स करना है, आज तारीख 29 जून, टाइम हो रहा है 7:32, मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसके, मैं यूट्यूब पे भी पड़ी होगी, आप ये मेरी वीडियो दिखेगा जब आप मास्टर्स में जाएंगे, अब आपको ऐसे टीचर नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं मिले, मैं बता रहा हूँ मैंने मास्टर्स के सब कुछ किया, जाहिर है वो क्वालिफाइड होंगे, बहुत क्वालिफाइड होंगे, तजुर्बा भी होगा, लेकिन उनमें वो अट्रैक्टिवनेस नहीं होती। मैं आपको बताऊँ हमारे टीचर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तो होता ये था कि सर थे, उनका नाम मैं अभी मेंशन नहीं करूंगा, ही वॉज वेरी नाइस टीचर, ही वॉज वेरी एक्सपीरियंस, ही वॉज द फर्स्ट MBA ऑफ कराची, पहले MBA थे पाकिस्तान के, वो हमारे उस्ताद थे, डिफेंस में उनकी रिहायशी को पढ़ाते थे। अच्छा वहाँ क्लासें किस तरह होती, हर क्लास 3 घंटे की, हर क्लास 3 घंटे की, मार्केटिंग की क्लास 3 घंटे, फाइनेंस की क्लास 3 घंटे, मैनेजमेंट की क्लास 3 घंटे, अकाउंट्स की क्लास 3 घंटे, एक क्लास एक सेशन 3 घंटे का लगातार होगा और वो एक ही टीचर थे, और कभी कभी हमारे 3 सेशन होते थे तो 3, 3, 6, 3, 9 घंटे हमें पढ़ना होता था, तो इतनी पढ़ाई हमारी यूनिवर्सिटी में हमने देखा होती हुई। सुबह 8 बजे क्लास शुरू,
8:05 में क्लास में दफा हो जाओ, ये नहीं बोलते थे, गेट लॉस बोलते थे बस, गेट लॉस फ्रॉम द क्लास। एमबीए बंदा कर रहा है यार, इतना बड़ा दाढ़ी मूछ वाला बंदा, उसको गेट लॉस बोलना सर। और हमने हमने कहा जी सर हम चले गए, हमने कभी भी ये नहीं बोला सर यूं यूं यूं, या हमने कभी नेवर। व्हाट आई बिलीव कि जिस शख्स ने अपने उस्ताद से बदतमीजी करी, फिर वो बेहतर है कि वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर कोई और काम धंधा कर ले, क्योंकि अब तालीम उसको कुछ निकाल के नहीं देगी। जो शख्स अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करता उसको कभी भी तालीम से कोई फायदा नहीं होता, मैं समझता हूँ। इसी तरह जो अपने वालदैन का एहतराम नहीं करता उसको किसी चीज का कभी कोई फायदा नहीं होता, ठीक है ना। तो वालदैन, अच्छा इसलिए उस्ताद का दर्जा भी आपको पता है वालदैन का, अच्छा। तो लेकिन जो करता है अपने, जी जी बोलिएगा, वापस नहीं बुलाते थे आपको क्लास में? हाँ बुलाते थे 5 मिनट बाद 6 मिनट बाद। अच्छा सुनो मैं बता क्या रहा हूँ, जिसने अपने वालिदैन की इज्जत की और टीचर्स की इज्जत की, यकीन करें अल्लाह ताला गैबी उसकी मदद करेगा, उसके तमाम एग्जाम्स क्लियर होंगे, उसके बाद उसकी नौकरी भी लग जाएगी, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। एक चीज का बेअदब बेनसीब बाअदब बानसीब, ये बड़ों का मुहावरा है, बड़ों का ये कहावत है, ये बहुत इसके अंदर वजन है कि बाअदब बानसीब होता है। कभी भी अदब को ना छोड़े, कभी भी तमीज को ना छोड़े, क्योंकि किसी को रिस्पेक्ट देने में पैसे भी नहीं लग रहे और आपको फायदा भी हो रहा है। नाउ कम अगेन, अब 3 घंटे की क्लास हो रही है, सर आ गए हमारे, अब वो पढ़ा रहे 3 घंटे, ना वो हंसेंगे, ना वो कोई जोक सुनाएंगे, ना कोई वो वाकया सुनाएंगे। यानी कि इस चीज से क्या होता है, अब रिवैम्प हो जाते हैं, दोबारा से आपके अंदर एक नया जोश आ जाता है कि जब कुछ इस तरह की बात होती है, अब इस तरह की कोई बात ही नहीं हो रही, अब एकदम सीरियस है। अब उनकी क्लास, क्योंकि उनकी एज कितनी, उस वक्त जब मैं पढ़ रहा था उस वक्त वो 70+ थे, 70-80 के लगभग उनकी एज थी, इतनी ज्यादा एज थी उनकी, ठीक है ना। वो अजमेर यूनिवर्सिटी दुबई के वाइस चांसलर रहे, फिर वो यहाँ के कॉमर्स डिपार्टमेंट कराची के हेड डीन, पता नहीं चेयरमैन, पता नहीं क्या क्या रह चुके थे। अच्छा अब वो हमें पढ़ा रहे 3 घंटे, 3 घंटे में हमने हंसना नहीं, सिर्फ उनकी बातें सुननी, और वो सिर्फ अंग्रेजी में लेक्चर देते थे, ओनली इन इंग्लिश, देयर इज नो वर्ड ऑफ उर्दू। एंड देन वी विल हैव टू आंसर, ही विल आस्क क्वेश्चन, देन वी विल रिप्लाई इन इंग्लिश एज वेल। अच्छा फिर क्या हुआ, उनकी क्लास में नींद आती थी, 3 घंटे का लेक्चर, किसको नींद नहीं आएगी, क्या ख्याल। अब कभी कभी तो ऐसा होता, कुछ तो ऐसे टीचर मिल जाते हैं, उन्होंने पढ़ाना शुरू करा, 2 जुमलों के बाद तीसरे जुमले पे नींद आना शुरू हो गई। अच्छा अब क्या हुआ, क्यों नींद आ रही, सवाल ये कि भाई पढ़ा रहे हैं, पढ़ना कितना जरूरी है हमें पता है, हम अपनी जेब से हमने फीसेस भरी, बाकी उस जमाने में जब मैंने एमबीए किया मैंने 25,000 रुपए उस जमाने में फीस भरी सेमेस्टर की, उस जमाने में, अब तो भाई 80-90,000 रुपए फीस हो गई, मेरे जमाने में 25,000 रुपए थे जब मैंने एमबीए किया था, ठीक है। अच्छा अब इतनी फीस बंदा भरे और फिर नींद आए क्लास में बैठ के, यार अब क्या करें। अच्छा अब मैं गया फिर मूवी देखने, वो भी 3 घंटे की, जब मैं मूवी देखने गया 3 घंटे की तो मुझे जरा भी नींद नहीं आई। अरे भाई वो मेरे लिए पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे फ्यूचर का सवाल है, और वहां मुझे नींद आ रही है, जहां पर कोई फ्यूचर का सवाल नहीं है, मैं 500-700 रुपए सिर्फ देकर बैठा हूं, और मुझे उस फिल्म में जरा भी एक जमाई नहीं आई, मुझे इतना मजा भी आ रहा है, मैं हंस रहा हूँ खुश हूँ, और बहुत ही मैं बगैर थके, मैं 3 घंटे बैठकर बगैर थके सिनेमा से बाहर निकला, ठीक है जी। बहुत सारी मैंने मूवीज देखी सिनेमा में, मुझे बड़ा शौक रहा है, अभी खुलेंगे तो इंशाल्लाह, अगर आप लोग भी इंटरेस्ट लेंगे तो इंशाल्लाह साथ भी चलेंगे। मैंने बहुत सारी मूवीज देखी है जिसमें पीके है, पीके में बहुत मजा आया था, सिनेमा में जब नई नई लगी थी यहाँ पर एट्रियम में पीके देखने में मजा आया था। इसी तरह हमारी अधूरी कहानी एक सैड मूवी थी, वो भी एक मेरा यादगार दिन है जो मैंने सिनेमा में देखी थी, ठीक है ना। और हाउसफुल 3 देखी थी, और बहुत सारी मैंने मूवीज, और पाकिस्तानी भी मैंने देखी थी, वो सोने का कमोड था उसके अंदर, पता नहीं उसका नाम याद नहीं है, उसका दो एक दो पाकिस्तानी मूवी भी रिसेंटली भी एक मैंने देखी थी पाकिस्तानी मूवी लॉकडाउन से पहले, ये जौहर मोड़ वाले में है। तो जब मूवी देखें ना उसमें हम डिमोटिवेट ही नहीं हो रहे, हमें मजा आ रहा है, क्यों। द रीजन इज दिस हेडिंग, ये जो हेडिंग है ना आपके सामने, दिस हेडिंग इज द रीजन, यानी कि हम उसको देखने के लिए मोटिवेट होते हैं, उस मोटिवेशन की वजह से क्या होता है, उस मोटिवेशन की वजह से हमें मजा आ रहा होता है, ठीक है ना। हमारी अधूरी कहानी तो बहुत बुरी मूवी थी यार, वो दो दोस्तों को लेके गया था, वो दोनों का ब्रेकअप हुआ था, ठीक है ना, दोनों की शादी हो गई। अच्छा खैर सॉरी, एक की शादी हो गई, एक अभी तक मिली, तो उन्होंने देखा हमारी अधूरी कहानी, देखने के बाद हमारा डिनर का प्रोग्राम था बंस रोड पे, दोनों रोने लगे, तो उनको फिर मुझे घर लेके जाना पड़ा, तो ऐसा भी हुआ मेरे साथ।
जगह ऐसा भी होता है। सैड मूवी तो देखने का इसलिए वो यादगार हो गया कि वो दोनों मेरे दोस्त इस तरह बुरी तरह रो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मेरा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ था तो मुझे तो रोना नहीं आया, मतलब हंसी खुशी मैंने वो मूवी देख लिया। अच्छा तो बात आगे बढ़ाते हैं। तो बात यह है कि ये मोटिवेशन होती है जो 3 घंटे मूवी देखने के बावजूद आपको नींद का एक जमाई का एक झोंका, नींद का एक झोंका नहीं आने देती, ये मोटिवेशन होती है। और यही डीमोटिवेशन होती है कि जब जरा सी आप लेक्चर सुने और आपको नींद आना शुरू हो जाए। ऐसे कुछ लेक्चर ऐसे जरूर होते हैं, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिनकी आप जब क्लास लेते हैं आपको मजा आता है। सर तो मास्टर्स में जो है वो 3 घंटे की कितनी क्लासेस होती हैं? 3 घंटे की अमूमन 2 होती हैं, ठीक है ना, कभी कभी 3 भी होती हैं, कम से कम 2 होती हैं। तो 6 घंटे तो मस्ट है, 6 घंटे लगातार आपने पढ़ना है, कभी कभी 3 क्लासेस होती है। ये अच्छा, इसमें ब्रेक होता है या लगातार? ब्रेक होता है हर क्लास के बाद, ब्रेक होता है हर क्लास के बाद, ब्रेक 15 मिनट का ब्रेक हर क्लास के बाद। सर ये बाल जाने का यही नतीजा है, नॉन स्टॉप पढ़ाई। नहीं बेटा, इसका मैं तुम्हें राज जो है ना वो मैं तो बताऊंगा क्लास के बाद, कभी तुम मुझसे बात करना फिर बताऊंगा, अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग है, कोई और भी देख सकता है ना ये रिकॉर्डिंग, फिर बताऊंगा इंशाल्लाह। ओके सर, जैसे आपकी मर्जी। ओके ओके, अच्छा सुना जी, मोटिवेशन इज अ टर्म ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव, ठीक है जी। मोटिवेशन इज अ टर्म ड्राइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव। वी कैन डिफाइन मोटिव दैट व्हिच मेक्स पर्सन एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, यानी कि मोटिवेशन जो लव निकला है वो लव्स मोटिव से निकला है। और मोटिव को किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं? मोटिव को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई मोटिव वो चीज होती है जो हमें कोई खास काम करने पर आमादा करे, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, जो MGCE नाम से आप बच्चे होते हैं वो छपुरा के अंदर मास्टर जी कॉलेज के बच्चे, अब वो कितनी दूर है यार यहाँ से मेरे घर से, यहाँ से मैं जाऊंगा नीपा आएगा मेरे घर से, ठीक है, नीपा के बाद वो आएगा यूनिवर्सिटी आएगी कराची, उसी उससे और आगे जाऊंगा मौसम याद आएगा, उसके बाद ये कोचिंग आता है, क्लास होती थी जाता था, अब क्लासे नहीं है ना। मैं एक बार भी मैंने पलट के उन्होंने बोला सर सैलरी ले जाके, मैं सैलरी भी लेने कभी वहां नहीं गया, मैं भाई यहाँ दे जाओ वहां दे जाओ वहां से ले लूंगा वहां से ले लूंगा, इतनी दूर नहीं जाऊंगा मैं नहीं गया आज तक, सही है। तो क्यों? क्योंकि मोटिव नहीं है ना अभी वहां जाने का, जो मकसद था वो बगैर वहां जाए पूरा हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, जो जॉब पे जो दूर दूर लोग जाते हैं इधर कलेक्टर डिफेंस, ये वो तो उसकी वजह भी यही होती है कि उनके खास चीज उनको यानी कि आमादा करती है वो काम करने के लिए। वो आमादा करने वाली चीज क्या होती है? सैलरी। सैलरी मोटिवेट करती है आपको जाने के लिए भी और मेहनत करने के लिए। पढ़ने के लिए आपको क्या मोटिवेट करेगा? शायद आपको पता है कि मैं ज्यादातर तकरीबन मेरे पास 90% मेरी क्लासेस सिर्फ बीकॉम की होती है। उसकी वजह यह है कि बीकॉम में बच्चा आने के बाद मेच्योर हो जाता है, उसको अंदाजा हो जाता है अब मैंने जॉब करनी है या मेरी रियल लाइफ या प्रैक्टिकल लाइफ मेरी शुरू होने वाली है। तो अगर मैं अभी थोड़ी सी इस लाइफ में मेहनत कर लूंगा तो फिर तो गुजारा हो जाएगा, वरना गुजारा नहीं होगा। तो ये मोटिवेशन, आपको लगता है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। जब आपकी आंखों से पर्दे हटना शुरू हो जाते हैं, अब जो बच्चा मैट्रिक में होता है जो बच्चा इंटर में होता है अगर वो अच्छा पढ़ रहा है तो जब जब भी ना उसको उसका उसका फिर भी मोड क्लियर नहीं होता, और जब भी उसको फ्यूचर उसके जहन में क्लियर नहीं होता कि एक्चुअली उसने जो इतना पढ़ा है उसने करना क्या है, ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। इट इज एन इनर इम्पल्स, ये क्या होती है? अंदर से जब कोई चाहत होती है किसी को काम करने की, जब अंदर से आपकी चाहत है, अंदर से आपकी एक ख्वाहिश है किसी खास काम को करने की, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। जब अंदर से किसी खास काम करने कि आपकी ख्वाहिश हो जाए, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। अब बताएं, मेरे घर में एक अच्छा खासा बड़ा सा टीवी है, मेरे पास लैपटॉप भी है, मेरे पास मोबाइल भी है, मेरे पास बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े रूम्स भी हैं, एसी लगा हुआ है, मैं चाहूँ थिएटर बना के देखूँ मैं मूवी, मेरे घर में थिएटर बन सकता है, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने नंबर वन मैंने टिकट खरीदा 1000 रुपीज का ओशन मॉल में, जो वो है सिनेमा, वहां मैं गया, एक मूवी आई थी टेकन 3 के नाम से, इंग्लिश मूवी थी वो, मैं देखने गया, 1000 रुपये मैंने उसका टिकट लिया, आने जाने की मेरी ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी में मैं गया, आना जाना मेरा लंच और सॉरी मेरा डिनर, एक बंदे को भी लेके गया, ठीक है ना, इतना मैंने आना जाना क्लिफ्टन यार इतनी दूर में गया भी और सब कुछ मैंने किया। व्हाई? बिकॉज ऑफ मोटिवेशन, बिकॉज आई वॉन्ट दिस, मुझे वो चाहिए था, मुझे वो करना था, मुझे वो एनवायरमेंट चाहिए था, मुझे आना जाना था, मुझे घूमना फिरना, ठीक है ना। मैं मरी गया, कराची में बैठा हूँ,
मूवी है, वीडियो देख लो मोबाइल पे, मोबाइल पे मैं बर्फबारी नहीं देख सकता क्या, लेकिन मैं फिर भी मरी गया। ये वजह क्या थी, वो भी अगेन मरी गया। कितना मैंने खर्च किया, मैं गया इस्लामाबाद, उस वक्त मैंने टिकट लिया था कोई 28,000 रुपये का रिटर्न टिकट लिया, एक पर हेड 28,000 रुपये का टिकट। फिर वहाँ हम इस्लामाबाद उतरे, वहाँ मैंने बंदे को बुलाया, वो मुझे लेके गया, लेकिन ठीक ठाक भर के खर्च हुआ उसमें। और नॉट ओनली मी, मैनी पीपल आर गोइंग द सेम, लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जी, मैं पाकिस्तान टूर पर जा रहा हूँ। अब जो कुछ हमारे ऐसे इलाकों में पढ़ाता हूँ, वहाँ आधे बच्चे पाकिस्तान टूर पर चले ही जाते हैं बीकॉम के, आज पाकिस्तान टूर पर, हर साल पाकिस्तान टूर पर जाने वाले बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा फिर इकरा यूनिवर्सिटी ले लें आप, जो सबसे थकी हुई यूनिवर्सिटी में से पढ़ता हूँ, इकरा यूनिवर्सिटी पता है आपको क्या करती है, वो वर्ल्ड टूर पर ले जाती है 5 लाख, उनके पास बड़े बड़े खापड़ों के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, कहाँ लेके जा रही है वो वर्ल्ड टूर पर लेके जा रहे हैं, वर्ल्ड टूर करना है, आ जाए जी उनके साथ चल। अच्छा अच्छा आगे पढ़ते हैं, सुबह हम क्या लिखा हुआ है, सो ह्यूमन नीड्स आर द कॉज ऑफ एक्शन एंड मोटिवेशन। तो होता क्या है कि जो इंसान की ख्वाहिश होती है, उसको इंसान को पैसे चाहिए, पैसे आएंगे तो उसका किचन चलेगा, उसकी गाड़ी चलेगी, उसका घर चलेगा, बिजली पानी गैस शादी मैयत हर चीज के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। कबर को खरीदे जाओ आजकल 25,000-30,000-40,000 रुपये की तो कबर, कफन, मैयत गाड़ी, सोया 40 लाख, मतलब कितना खर्चा है, और मैयत की बिरयानी अलग, तो किसी का मरना भी तकरीबन मरने पे भी लाखों रुपए का खर्चा है। बिल्कुल बिल्कुल खर्च होते हैं, बिल्कुल खर्च होते हैं। अल्लाह ताला हमें और आप सबको तमाम किस्म की आफतों से अल्लाह ताला महफूज फरमाए, और जल्द जल्द हमारे मुल्क में जो वबा आई थी इससे भी हमें आमीन जो है वो हमारी जान छुड़ाए, मेरा परवरदिगार। आगे बढ़ते हैं, तो सो द ह्यूमन नीड्स आर कॉज ऑफ एक्शन एंड मोटिवेशन, हमारी जो जरूरियात है उन जरूरियात को पूरा करने की वजह से हम राहत हो जाते हैं, नहीं तो हम एक चेयर पे बैठे रहेंगे क्या 8 घंटे 10 घंटे, नहीं, ठीक है ना। अच्छा, मेजर थ्योरीज विद रिगार्ड टू बेसिक मोटिव्स ऑफ मैन मे बी समराइज एज अंडर, नंबर वन। अच्छा, इसकी ना बहुत सारी थ्योरीज है मोटिवेशन के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नजरियात दिए जो कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नंबर वन, क्लासिकल थ्योरी ऑफ बाय F.W. Taylor, F.W. Taylor ने एक थ्योरी दी मोटिवेशन की। अच्छा, मोटिवेशन की थ्योरी मतलब क्या, उन्होंने कहा, इन्होंने ये बताया कि कौन बंदा कैसे मोटिवेट होगा। तो उन्होंने क्या बताया, कौन बंदा कैसे मोटिवेट होगा, भैया जी ये उन्होंने बताया। ओके, अच्छा एक बात और, हमारा और इमरान भाई का और सर नदीम से शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स, वो और हमारे प्यारे सलमान भाई एज वेल, हम चारों एक लाइव सेशन करेंगे बहुत जल्द, तो आप सबने वो देखना है और उसको शेयर भी करना, ठीक है। इट मे बी टुमारो, कल हो सकता है वो लाइव सेशन, और अबाउट बीकॉम, तो आपके जो बीकॉम के स्टूडेंट सर उनको भी बताइएगा जी, लाइव सेशन में स्टूडेंट सवाल कैसे करेंगे, कमेंट करना चाहे तो कमेंट्स में। सेशन कहां पे करेंगे, फेसबुक पे? जी जी, कराची एजुकेशन फोरम हमारा एक पेज है, आपने शायद देखा, वहाँ पे हम करेंगे। नहीं देखा मैंने। नहीं देखा तो आप गूगल पे लिखिएगा कराची एजुकेशन फोरम, सबसे ऊपर आएगा, 17,000 अराउंड उसमें अभी फॉलोवर है। अच्छा। और ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। अच्छा, किस टाइम होगा ये भी सर, उसकी कोई पिक्चर भेज सकते हैं? पिक्चर आपको सही है सर, पिक्चर में भेज दूंगा आपको, मैं लिंक भेज देता हूँ ना आपको, उसमें क्या मैंने शायद पहले भी आपको लिंक भेजा, और मेरी कोई लाइव सेशन आपने कोई देखे, मैंने पहले भी बहुत सारे उसमें कुछ लाइव सेशन किए हैं। यस सर, मैंने देखा है, देखा ना वही वाला पहले। यस सर, वो एक टीचर भी आती है कौन सी, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे जो मोटिवेट कर देते हैं बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए। हाँ, वो वाली भी उस पे वीडियो आई थी, अभी तो बिल्कुल आई थी। मैं आपको लिंक भेज दूंगा। किस वक्त तक मुतवक्के हैं यार? कल टाइम मैं आपको बता दूंगा, इमरान भाई से भी पूछ सकता, कल होगा 9 बजे होगा, 9 बजे। अच्छा, मेरी कल क्लासेस भी तो है ना अबे, हाँ कल तो मेरी क्लास कल खत्म होगी, मेरी क्लास खत्म होगी और हम शुरू करेंगे, मेरी कल क्लास कल खत्म होगी 8:30 से 9:15 खत्म होगी ना, हम 9:30 या 10 बजे शुरू करेंगे, 10 बजे शुरू करेंगे, 10 बजे बेहतरीन टाइम है, सब बंदे फ्री होंगे, हर बंदा फ्री होगा, है ना, क्या ख्याल है? कितने घंटे का होगा? एक घंटे का, जस्ट 1 आवर। चले बस, आप लोग शेयर भी करेंगे उसको आप लोग, ठीक है ना। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देखने वाले हैं, टॉपिक क्या होगा, बीकॉम स्टूडेंट्स,
बीकॉम स्टूडेंट्स देयर प्रॉब्लम्स देयर सॉल्यूशंस, सर नदीम भी बैठे होंगे हमारे साथ, हम बताएंगे क्या क्या इनको करना चाहिए इस वक्त जो सिचुएशन गुजर रही है पूरे कराची के तमाम बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, हमने वो प्लान किया है, ठीक है? ओके अच्छा नाउ लेट्स मूव ऑन। नहीं सर आफिद तो फिलहाल नहीं होंगे, उनको अगले किसी सेशन में हम बुलाएंगे, एक स्टार्ट ले रहे हैं हम, देखें आप नाउ आगे चलते हैं। क्लासिकल थ्योरी अच्छा, अब हर बंदे ने अलग तरीके से नजरिया दिया, मेरे हिसाब से कोई बंदा इस चीज से मोटिवेट होगा। एफ डब्ल्यू टेलर ने कहा कि पैसा पैसा दोगे वो बंदा ज्यादा मोटिवेट होगा। काफी हद तक एफ डब्ल्यू टेलर की जो बात थी वो आज तक चली आ रही है और आज तक उसके अंदर सदाकत और हकीकत मौजूद है। मिसाल के तौर पर आपकी सैलरी लगती है 20,000 रुपए, महीने के बाद आपको बंदा 40,000 रुपए अगर देता है, महीने के बाद अगर वो बंदा आपको 40,000 रुपए देता है, हाउ विल यू फील, कैसा लगेगा आपको? डबल डबल सैलरी अगर देगा अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, सही है? अच्छा जी, तो ये चीज भी जो है ना बड़ी मैटर है। पैसा आज तक भाई अगर मेरी सैलरी है, लेट सपोज मैं आपको बताऊं, चले सैलरी तो नहीं बताऊं, वैसे मैं आपको बताऊं कि एक पेंडेमिक चल रहा है ना, तो हमारे ऑफिस में क्या हुआ है, जो लोग आ रहे हैं, जैसे मैं जा रहा हूं अभी अलहमदिल्ला अल्लाह बचाए, वैसे तो हमारे एक स्टाफ मेंबर का जो है हालत ठीक नहीं, उसका कोरोना का आज टेस्ट हुआ है। सर राउंड ऑफ ही बता दें, छोड़ो ना इसमें कुछ नहीं लगा, आगे जो बता रहा हूँ वो तो सुनो ना, वो ये वजह मैं वेट म्यूट करने का ऑप्शन नहीं मिला खत्म कर दिया। अच्छा तो मैं बता ही रहा हूँ कि आज खैर वो कोरोना का टेस्ट कराने गया, तो हमें ना अलाउंस मिल रहा है जैसे 600-800 रुपए रोजाना एक्स्ट्रा, अदर देन सैलरी अदर देन एनीथिंग कोरोना अलाउंस मिलना शुरू हो गया। अगर हम आ रहे हैं अपनी जान पर हथेली पर रख के आ रहे हैं तो हमें 800-700 रुपए इस तरह हमें अलाउंस मिल रहा है पर डे, मतलब वो सब जो सैलरी वैली मिली हो तो है ही। तो अब ये कि मैं तो क्योंकि सबसे ऑफिस में अपना सेकेंड नंबर पर, मुझसे छोटा एक बंदा है और उसके सब बाकी मुझसे बड़े हैं ना ऑफिस के अंदर, 50s में मेजोरिटी हमारे ऑफिस के अंदर। फाइनेंस में मेरे के बाद कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ अभी तक कराची के अंदर, सारे पंजाब होते रहते हैं। वेल क्लासिकल थ्योरी में आर्टर टेलर ने क्या कहा, पैसा दोगे तो मोटिवेट होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप में से किसी को 1,00,000 रुपए पड़े हुए मिल जाए, क्या आपको नींद आएगी रात में? बताइए, खुशी में नींद नहीं आएगी ना, 1,00,000 रुपए पड़े हुए मिल गए भाई। अच्छा इस तरह अगर 1,00,000 रुपए छिन जाए नींद आएगी, फिर भी नींद उड़ जाएगी, तो दोनों सिचुएशन में क्या हो जाएगा, नींद उड़ जाएगी। अच्छा तो पैसा एक मोटिवेटर है, पैसा आपकी नींद भगा सकता है, पैसा आपको कोई खास काम करने पर आमादा भी कर सकता है। मैं आपको बताऊं, सैटरडे को जो मैंने कोई भी क्लास ले ली, शायद आपने मेरा स्टेटस वगैरह देखा, तो सैटरडे को ना जो मेरी क्लास थी मैंने ऑफ की, क्योंकि सुरजानी टाउन में हमारी प्रॉपर्टी है तो रेंट पे दी हुई है ना, वो तो छत उसके लिए कोरी होगी शायद, उन्होंने कहा कि भैया सस्ती कोरी हम खाली करें, तो मैंने पोस्टिंग की तो मैंने देखा कि यार वो खाली होगा और उसमें जो है ना बिला वजह के पंगे होंगे, दोबारा चढ़ाओगे, वो बंदे अच्छे हैं चलो उनको छत बना के दे देते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने मिस्त्री मजदूर पकड़े, सामान वामान की रेगुलेशन की सारा सामान मैंने डाला वहाँ पे और मैं वहाँ पहुँच गया ठेकेदारी करने के लिए और मैंने वो छत डलवाई ना वहाँ। अच्छा अचानक से क्या हुआ, पानी का मसला हो गया, पानी खत्म हो गया, अचानक से पानी खत्म। अब मैंने गाड़ी उठाई, मैं गाड़ी उठा के दौड़ा गया, पानी का क्या करूँ, एक दो बंदों से बात की नहीं बनी। फिर ना बाबा मोड़, आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, 4 के 34 से लेफ्ट पर आता है बाबा मोड़ पे, मैंने देखा एक टैंकर आ रहा है, किसी ने मुझे कहा था बाबा मोड़ की तरफ से टैंकर गुजरते हैं बहुत सारे। अच्छा मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया, एक टैंकर आया, मैंने हाथ दिया उसको, वो रुका, मैंने बोला भाई सिंगल टैंकर चाहिए, कितने का सिंगल टैंकर होता है? उसने बोला 1,000 रुपये का होता है। बोला अभी चाहिए फ़ौरन? उसने बोला अभी तो नहीं मिल सकता। मैं बोला भाई मुझे बहुत जरूरत है, मुझे अभी पानी चाहिए, आप कुछ भी करो मुझे पानी चाहिए। उसने कहा 2,000 रुपये। मैंने बोला डन। उस वो कहीं और टैंकर लेके जा रहा था, उसने 2,000 बोला, मैंने फौरन बोला ठीक है चलो, मैंने बोला गाड़ी स्टार्ट करो, मेरे पीछे जाओ, मेरे पीछे पीछे चल दिया। यानी कि वो किसी और का पानी लेके जा रहा था, 1,000 रुपये में वो पानी कहीं डालने जा रहा था, मैंने उसको एक और 1,000 का नोट का पत्ता दिखाया, मेरा पानी 10 से 15 मिनट के अंदर पानी का मसला मेरा सॉल्व हो गया। तो ये नोटों की गेम है, नोटों की गेम, ठीक है ना? इसी तरह क्या हुआ, पानी का हमारा कोई मसला हुआ, हाँ भाई ये इतना माल मिलेगा, ये काम करो भी, फौरन हो गया। इस तरह एक बंदे एक मसला हुआ, यार ये रिकॉर्डिंग हटा के बताना पड़ेगा,
बिल्कुल पावर ऑफ मनी, यानी कि मनी इज मोटिवेटर ना, वही तो बता रहा हूँ, मनी इज मोटिवेटर। अच्छा मैं आपको अपने जाती वाक्य बता रहा था मोटिव, ये रिकॉर्डिंग से, तो पैसा क्या करता है, पैसा इंसान को मोटिवेट करता है खास काम करने पर आमादा करता है, ये थ्योरी वन थी। अच्छा इसके हम डिटेल में जाएंगे कि किस तरीके से पैसा देकर देखा गया। अच्छा नंबर टू, एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मैकग्रेगर। अच्छा अब ये थ्योरी बिल्कुल अलग है, एफ डब्ल्यू टेलर से ना बिल्कुल हटके थ्योरी, ठीक है ना, अल्लाह बचाए लड़ाई झगड़ों से, बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं बताऊँ अल्लाह ताला सबको मुझे आपको लड़ाई झगड़ों से बचाए, कुछ नहीं रखा। हाँ वैसे तो लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जब आप कोई सर पर मुसल्लत होने की कोशिश करें तो जुर्म के खिलाफ चुप रहना जो है ना ये भी सही नहीं, तो मैं समझता हूँ फौरन फिर आपको एक्शन लेना चाहिए, और जब कोई जुर्म करे तो जुर्म के खिलाफ बगावत करना यही हक है, और यही हमारी शरीयत भी कहती है कि जुर्म को बर्दाश्त करना चाहिए, बल्कि जुर्म के खिलाफ ऐलान बगावत कर दो, ऐलान जंग कर दो, यही हमें इस्लाम सिखाता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे वाकयात इस तारीख में मौजूद है, ठीक है ना। खैर अब एक्स एंड वाई थ्योरी के बारे में बताता हूँ, ये अलग थ्योरी, ये थ्योरी क्या, यानी कि हर थ्योरी में ना बहुत ही साइंस है, ठीक है ना। पैसा पैसा, अब पैसे की थ्योरी तो बहुत सिंपल थी, अब ये देखें थ्योरी, ये एक्स एंड वाई थ्योरी है। एक्स एंड वाई थ्योरी मैकग्रेगर ने दी, मैकग्रेगर ने ये कहा कि लोग होते हैं दो तरह, एक होते हैं एक्स और एक होते हैं वाई, उसने दो कैटेगरीज बना दी लोगों की, ये तो ये बंदा एक्स कैटेगरी का होगा या वाई कैटेगरी का होगा। अब जो बंदा एक्स कैटेगरी का होगा, ठीक है ना, जो एक्स कैटेगरी का बंदा होगा उसमें जो खासियत होगी वो ये होगी कि वो मेहनती नहीं होगा, काम चोर होगा, जब उसको मौका मिलेगा वो डंडी मारेगा, ठीक है ना। अब ऐसे बंदे से काम लेने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे उसको मोटिवेट करना होगा, वो मोटिवेट होगा डंडे से, डंडा दिखाना पड़ेगा। वैसे ये डस्टर है क्योंकि भाई दिस इज अवर क्लासरूम, डस्टर यहाँ पर रखे हुए हैं, फिलहाल बोर्ड इस्तेमाल आपकी जरूरत नहीं, बड़ी प्रेजेंटेशन है इसकी वजह से। तो वैसे तो मैं शागिर्द हूँ सर नदीम का स्टैट्स के अंदर, तो मैं एक दो जगह स्टैट्स भी ले लेता हूँ, तो बोर्ड भी उसमें यूज होता है। अच्छा तो एक्स एक्स थ्योरी क्या कहती है, काम किस तरह कराना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा, नौकरी से निकालने की धमकी देनी पड़ेगी, पुश करना पड़ेगा, बार बार काम को कहना पड़ेगा, ठीक है ना। अब होता यह है कि कुछ लोग होते हैं, मिसाल के तौर पर खवातीन मौजूद है, तो खवातीन पर भी एक मिसाल हो जाए, काफी लड़कों वाली बातें बहुत हो गई हैं इस क्लास में, तो एक कुछ खवातीन वाली बात करते हैं, बहुत पढ़ने वाली बच्ची है इस क्लास में, मुझे नजर नहीं आ रही। अच्छा मैं आपको बताऊँ, कुछ गर्ल्स ऐसी होती, सब नहीं, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां होती हैं, कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं कि बर्तन पड़े हैं किचन में। जी मैंने भी सर शादुल हक से पढ़ा, बिल्कुल सर इमरान ने भी उनसे पढ़ा, कोशिश करूंगा सर शादुल हक को भी ऑन बोर्ड लेने की कल। अच्छा सो तो मैं आपको क्या बता रहा था कि बर्तन है जी किचन में पड़े थे, लेकिन जब तक उन्हें बोला ना जाए कि बर्तन धो, वो नहीं धोएंगी बर्तन, भाई नजर आ रहे बर्तन धो दो, एक ग्लास रास्ते में पड़ा हुआ है कहीं कहीं, कोई बर्तन पड़ा हुआ है कुछ पड़ा हुआ है, उसको उठा के सही जगह पर रख दो, नहीं डस्टिंग कर दो पंखे पंखे पे, अगर कोई डस्टिंग डस्ट आ गई है पर्दे पड़े कहीं पर भी तो उसको आप साफ करें। लेकिन दो तरह की लड़की होंगी, एक जिनको बोलो तो वो करेंगी, एक जो बगैर बोले करेंगी। वैसे आजकल थर्ड कैटेगरी पे आई वो जेड कैटेगरी होती है, वो करेगी नहीं चाहे वो कुछ भी कर, उनके बारे में अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। वो है एक्चुअली जेड में है इस तरह के लोग भी जो किसी भी सूरत में, गर्ल्स पर मिसाल देना आगे किस वजह से सही, लेकिन आगे का सही है। अच्छा लड़के भी तो ऐसे होते हैं, वो एक एक लड़के होते हैं आप ये चीज़ छूट रही फटाफट ला के लगा दी, एक ऐसे होते हैं जिनसे मन्नतें करते हो जब तक उनकी अम्मी खुद चादर पहन के ये ना बोल दें कि मैं खुद दही लेने जा रही हूँ, वो नहीं उठते लड़के। मैं भी उनमें से हूँ, बस अम्मी बोले ये लाना वाना, अम्मी मैं थक गया मैं बहुत क्लास। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, ठीक है आप आराम करें मैं जाऊँ। अच्छा लाओ भाई मैं जाऊँ, ये होता है और भी लड़के करते होंगे ऐसे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो न्यू थ्योरी थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, थ्योरी वाई वाले कौन होते हैं, जैसे ही कोई काम नजर आता है फौरन उस काम को करने की कोशिश करते हैं। महमूद भाई आप मुझे उस दिन कॉल कर रहे थे तो मैं आपकी कॉल नहीं रिसीव कर सका था, तो आज इंशाल्लाह मैं आपसे बात कर लेता हूँ, क्लास के बाद आप कॉल कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर। अच्छा तो फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं, अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछें, नहीं तो इंशाल्लाह